रोडलैंड फार्म बकरे आने शुरू हो गए हैं जी चराई के बाद। ये फुल चर के देखें, माशाल्लाह इनके पूरे पेट भरे हुए हैं। ब्रीडर जा रहा है सबसे पहले बच्चा है कि फार्म का नंबरदार, इसका नाम रखा हुआ है नंबरदार। चलो तो ये देखें जी माशाल्लाह चराई करके जानवर आए हैं, बड़े खुश हैं। अभी कुछ जानवरों का वेट हो रहा है, हो गए बेटा भी है। मैं मुर्गियां भी साथ रखी हैं ताकि कोई कीड़ा मकौड़े हो तो ये खा जाती। हमने थोड़े थोड़े पसीन डाले ताकि इन्हें, वैसे जोर नहीं होती लेकिन ताकि इन्हें डेरे आने की लालच रहे। माशाल्लाह अब रात ही इधर ही बाहर ही गुजारेंगे, गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं।
देखें गर्ल को पेट भरे हुए हैं सब के टीबियां बनी हुई हैं और बकरी पालने में यही चीज़ एक प्रॉफिटेबल है कि आपका जानवर बाहर से अच्छी तरह खा पी कर आए ताकि आपका खर्चा कम हो और फार्म पे आप उन्हें एडिशनल को चीज़ डाल दें। लेकिन आजकल जो हमारे पाकिस्तान में एक फैशन चला हुआ है कि इंसानों को खाने को गंदम नहीं और बकरों को हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, गजाई किल्लत का पूरे पाकिस्तान को सामना है, लेकिन हम शौक शौक में बकरों को दे रहे हैं जो कि इंतहाई गलत बात है। ये चीज़ें इंसान के खाने की बनी है ना कि इंसान का खाना इन्हें हम खिला दें। ये मेरा मैसेज है तमाम जो बकरी पालने वाले हैं, अगर आपके पास अपनी जगह नहीं तो सब्ज चारा खरीदें और सब्ज चारा डालें और बिल्कुल अगर बकरा इस पे पाल रहे हैं तो करीब आकर कोई छोटा मोटा आप गंदम डालें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि गरीब को मिले ना और आप बकरों को खिला रहे हैं। इस बात का आप लोग ख्याल रखें।